लोग पूछते हैं मोदी जी इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े सपने। मैंने कहा ये सपनों की ताकत मुझे मेरे देश के नौजवानों से मिलती है, उनके सामर्थ्य से मिलती है। आज देश में नए नए अवसर बन रहे हैं, नए नए सेक्टर खुल रहे हैं, युवाओं की हर आकांक्षा का ध्यान हमारी सरकार रख रही है। युवाओं की सहायता के लिए मुद्रा लोन है, स्किल इंडिया मिशन है, स्टैंड अप इंडिया मिशन है। हमारी नौकरियों में गैर जरूरी इंटरव्यू खत्म कर दिए। हमने स्थानीय भाषाओं में परीक्षाओं का प्रावधान किया। हमने सरकारी व्यवस्थाओं को फेसलेस बना दिया। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने आजादी के बाद से ही भाई भतीजावाद को बढ़ाया, युवाओं की क्षमता को बर्बाद किया। अभी इसका ताजा प्रमाण मिला है, आप जरा सुनिए और लोगों को बताइए। शायद आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, ताजा प्रमाण मिला है। हमारे पड़ोस में राजस्थान में, वहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के अपने लोगों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है, और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी, और कोई और नहीं कह रहा है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे वो कह रहे हैं। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता। यानी राजस्थान में अब कांग्रेस का ही पेपर लीक हो गया है। यही कांग्रेस की सच्चाई है। इसलिए देश के युवाओं को, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार की पहचान ही अच्छी सड़कें, आधुनिक रेल लाइन, मेट्रो सुविधाएं, कोविड में वैक्सीन की व्यवस्था, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड। हम आगरा, फतेहपुर सीकरी सहित इस पूरे क्षेत्र को पूरी दुनिया के निवेशकों और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने में जुटे हैं। आप याद रखिएगा, ये जो अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहा है ना, लाखों लोग आ रहे हैं। काशी में जो कॉरिडोर बना है, लाखों लोग आ रहे हैं। आप मान के चलिए, वो निकलते अयोध्या आने के लिए, वे निकलते हैं काशी के लिए आने के लिए, लेकिन वो जरूर आगरा आकर के जाते हैं। और इसलिए यहां का टूरिज्म तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है।
आपको तो एक हाथ में दो दो लड्डू है। आप याद रखिएगा, आपका वोट एसपी सिंह बघेल जी और राजकुमार चौहान जी को तो मिलेगा ही, लेकिन जब आप वोट उनको देंगे ना तो उनको तो मिलेगा ही, लेकिन ये वोट मोदी को भी मिलेगा। तो आप मोदी को वोट देंगे, पक्का देंगे? और इसलिए 7 मई को कुछ समय अपने सेवक के लिए जरूर निकालना। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही शादियां क्यों न हो, कितने ही निजी काम क्यों न हो, लेकिन जब मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, तो मतदान के दिन मेरा आपसे कुछ समय मांगने का हक बनता है कि नहीं बनता है? मैं इतना तो मांग सकता हूं कि नहीं मांग सकता हूं? मैं देशवासियों से इतना तो मांग सकता हूं ना कि आप देश के लिए 1-2 घंटे निकालिए, गर्मी हो तो भी निकलिए, मतदान कीजिए। मतदान कराएंगे? अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के कहना मोदी जी आए थे, आप सबको राधे राधे कहा है, पहुंचा देंगे राम राम। मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमों ने भी अपना वादा निभाया, उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। Liu runs a supply chain solution for drone OEM. He does end-to-end sourcing and logistical support for drone OEM companies. First thing which we did was we defined his niche, because of which we chose that he'll be a supply chain solution provider for drone OEM. We helped him create a standard operating procedures for operations as well as business development. Then we helped him to generate a lot of leads to multiple marketing methods like exhibition participation, acquiring databases, then outreaching those businesses. There was a massive growth in his revenue. His annual revenue was a total of 4 crores in 2022-23, and his monthly revenue in January 24 itself was 4 crores. Now if you see, there's an overall growth of 1 year is 4 times. The profitability became 5%. His team is in place, business owner is free for operation and sales,
and his entire activity system is on complete automation. And you can exactly do the same if you would wish to do that. And for that, I have a very powerful program, which is a 3-hour session called Business Scale-Up Workshop. And if you choose to register for this, you will be able to replicate what Leo did in his business journey. So click the link now and I will see you inside, help you change and shift your business and achieve all your goals. Click now, see you inside. Bye-bye. I got a question for you. Do you have the courage to make 1 crore? क्या आप में वो जिगर है टू मेक 1 crore? यू सी, बहुत लोग ये वीडियो देखेंगे और इसको स्किप कर देंगे. इनफैक्ट 90% ऑफ यू विल नॉट लाइक मी बिकॉज आई एम चैलेंजिंग यू टू मेक 1 crore. डज नॉट मैटर, यू कैन स्किप. बट 10% ऑफ यू प्रॉबली वुड बी क्यूरियस, हाउ डू आई मेक 1 crore? डू आई हैव द करेज और नॉट? यू सी, हम बचपन से ना हमको बोला गया सेफ गेम खेलो, सेफ गेम खेलो. बट इन रियलिटी पीपल हु प्लेड द गेम ऑफ सेफ्टी, they just had the safety and not abundance. Jiski jitni soch usko utna hi returns milta hai. To hum kyun hamesha bade logon ko admire kare, rich logon ko admire kare, hum kyun nahi ban sakte crorepati? Kyunki hum na chipka.